हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चीज़ी मैगी। ये मैगी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। चीज़ी मैगी में आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी वेजिटेबल को ऐड कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलिए चीज़ी मैगी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। चीज़ी मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पैन में हम एक चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें 2 से 3 चॉप्ड की हुई लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। अब हम 1 चॉप्ड की हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा सॉटे करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। हमें प्याज को एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं फ्राई करना है। हम इसे हल्का सा ही फ्राई करेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। तो प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें आधी कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप मटर के दाने ऐड कर देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर और शिमला मिर्च जैसे ही हमारी फ्राई हो जाएगी, हम इसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब स्वीट कॉर्न इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं उसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है। मटर जैसे ही हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी, हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं करेंगे। सॉल्ट हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मसाले हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक कर बॉयल होने देंगे। तो पानी जैसे ही हमारा बॉयल हो जाएगा, हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। तो आप आटा मैगी में भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल मैगी आती है उसका यूज़ किया है। अगर आप हेल्दी मैगी बनाना चाहते हैं तो आप आटा मैगी का ही इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। मैगी मसाले को मैगी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को मिक्स करने के बाद अब हम मैगी को ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हम मैगी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैगी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। तो आप किसी भी चीज़ का यूज इसमें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाइस चीज़ यूज़ किया है। चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे कि चीज़ हमारा मेल्ट हो जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मैगी देखने में कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। तो यहाँ पर चीज़ी मैगी बनकर एकदम तैयार है। हम इसे मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम मैगी को गर्मा गर्म एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो मैं इसे एक सर्विंग बाउल में गर्मा गर्म सर्व कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर मैगी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज ऐड करेंगे।
थोड़ा सा मिक्स हर्ब इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया डालकर इसे गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर गर्मा गर्म मैगी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, खासकर ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने सिंपल तरीके से मैगी बनाकर तो बहुत बार खाई होगी, एक बार चीज़ी मैगी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।